डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आपने गदर फिल्म तो देखी होगी। गदर एक प्रेम कथा पार्ट 2 रिलीज होने वाली है और पार्ट 3 जैसी रियल स्टोरी तैयार है। जी हाँ, नोएडा के रघुपुरा में इन दिनों एक भारतीय प्रेमी और उसकी पाकिस्तानी प्रेमिका के रिश्ते की नई कथा लिखी जा रही है। आगे इस पर फिल्म भी बन जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ये कहानी बिल्कुल अलग है। प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने के इरादे से बॉर्डर पार कर सीमा गुलाम हैदर आ गई हैं। वह अपने साथ 4 बच्चों को भी ले आई हैं। उसे नोएडा के सचिन से पबजी के जरिए इश्क हुआ था और आज वह हिंदू बनने को भी तैयार है। बच्चों के नाम भी बदल दिए। सोशल मीडिया पर यह लव स्टोरी चर्चा में है। उस समय भारत में लॉकडाउन चल रहा था जब पहली बार सीमा और सचिन आपस में कनेक्ट हुए, पबजी से मिले और बातें होने लगी, फिर प्यार हुआ। नेपाल में दोनों 7 दिन तक साथ रहे और आजकल सीमा नोएडा में सचिन के घर पर है। एक इंटरव्यू में सीमा ने बताया अपनी जिंदगी के बारे में कई बड़े खुलासे किए हैं। सीमा हैदर ने बताया कि वे पहले एक लड़के को पसंद करती थी लेकिन उससे शादी नहीं हो पाई। सीमा की मोहब्बत से नाराज घर वालों ने जबरदस्ती उनकी शादी पाकिस्तान के पति हैदर से करा दी। सीमा ने बताया, कोर्ट मैरिज में मुझसे जबरन साइन कराया गया था। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अगर आपने प्यार कर लिया तो लोग इसे गलत मानते हैं, इसे बेइज्जती समझते हैं। जब सीमा से कहा गया कि उनके पति सऊदी से पीएम मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने झट से जवाब दिया, मौका मिल गया है ना, अब तो पूछिए पहले कहाँ थे इतने दिन तक। 10 मई को मैं घर से निकली थी, पहले पाकिस्तान से नेपाल पहुंची थी। अब सवाल उठता है, वहां पाकिस्तानी सिम वाला फोन काम नहीं कर रहा था तो नोएडा कैसे पहुंची। फिर सीमा ने बताया, पहले पैसे चेंज कराए, एयरपोर्ट के अंदर ही सब कुछ है, 500 रुपए में वहां से सिम मिलता है। मेरे पास सारे कागज थे, बस भारत का वीजा नहीं था। वे पहले सीधे भारत आना चाहती थी लेकिन भारतीय अधिकारी यानी सरकारी मुलाजिम के साइन आधार कार्ड चाहिए थे। सीमा ने कहा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं इंडिया जरूर जाऊंगी, मैं मर जाऊं सचिन के पास जरूर जाऊंगी। जबकि सवालों के जवाब देती हर जगह सीमा ज्यादा नजर आई। हाँ, सचिन ने इतना जरूर कहा कि सीमा के बच्चों को मैं अपने बच्चों से ज्यादा चाहूंगा, इन्हें पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा भी। सचिन ने बताया कि जब नेपाल से सीमा मिलने आई थी तब बच्चे पाकिस्तान में थे। सचिन ने ही उससे कहा था कि सीमा तुम वापस पाकिस्तान जाओ और बच्चों को साथ लेकर आना। जबकि सीमा ने तय कर लिया था कि बच्चों को उनकी बहन पाकिस्तान में पाल लेंगी। सचिन के कहने पर प्लान बदला और बच्चों के साथ नोएडा आ गई। हालांकि सीमा को जासूस भी बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट की। और हाँ, अपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।